नमस्कार, सुप्रभात मेरे प्यारे मित्रों। मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज। आज आपको प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में शिक्षा संविधान जितने हैं और इसके अलावा यूपी टेट के सी टेट के पर्यावरण में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से सुनिए, पढ़िए और नोट्स बनाइए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि धारा 28 क्या है। ये सारे शिक्षा संबंधित संविधान है, शिक्षा में जो आ सकते हैं वही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि राज्य द्वारा पूर्णता पोषित किसी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, अर्थात कहीं पर भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, कोई भी धर्म हो उसकी शिक्षा नहीं दी जाएगी। धारा 29(1) में क्या लिखा है कि भारत के राज्य क्षेत्र अथवा किसी भाग के निवासियों के किसी विभाग को अपनी विशेष भाषा लिपि या संस्कृत बनाए रखने का अधिकार होगा। मतलब भारत में कोई भी चाहे तो अपनी विशेष जो उसकी भाषा है, उसकी लिपि है, संस्कृति है, वो बनाए रखेगा। नेक्स्ट आता है धारा 29(2), इसमें क्या लिखा है, राज्य पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी संस्था में किसी नागरिक को धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा आदि के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। इसी को शैक्षिक अवसरों की समानता भी कहते हैं, अर्थात कोई भी कहीं का भी किसी भी जात का हो, किसी भाषा का हो, उसको शिक्षा में प्रवेश कराया जाएगा, रोक नहीं सकता कोई। नेक्स्ट धारा 30(30), इसमें क्या है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना या प्रशासन का अधिकार होगा। इसमें क्या है, कोई भी मतलब अल्पसंख्यक वर्ग है, अपने धर्म भाषा के आधार पर अपनी निजी संस्था खोल सकता है। धारा 45 आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, इस शिक्षा का मौलिक अधिकार या सार्वभौमिकरण के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को 10 वर्ष के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है और ये आरटी 2009 के अंतर्गत 86वां संशोधन के तहत लागू किया गया। अब आप एक कमेंट बॉक्स में हमारे उत्तर दीजिएगा कि संविधान धारा 45 किस दिन जो है ये 86वां संशोधन हुआ था, ये किस तारीख को लागू हुआ था। अब ये धारा 46 में क्या है कि राज्य जनता के अनुसूचित जातियों के शिक्षा तथा अर्थ और सामाजिक अन्याय तथा शोषण का संरक्षण करेगी। मतलब अनुसूचित जाति में कुछ भी अगर होता है, सामाजिक अन्याय होता है, शोषण कोई कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेगी या उनका संरक्षण करेगी जो राज्य अनुसूचित जातियों को। धारा 343 में कहा गया है कि जो देवनागरी लिपि है हिंदी, संघ की राजभाषा होगी। धारा 350 में ये केवल शिक्षा संबंधी संविधान है, दूसरे नहीं। अधिकारियों को अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। धारा 351 कहा गया है, हिंदी भाषा की वृद्धि करना, विकास करना और हिंदी भाषा को समृद्धिवान बनाना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की सप्तम अनुसूची की दूसरी सूची अर्थात राज्य सूची में लिखा है कि शिक्षा विश्वविद्यालयों सहित संघ सूची के उपबंध 63, 64, 65, 66 और समवर्ती सूची के उपबंध 25 के अतिरिक्त एक ये राज्य की विषय है। मतलब ये राज्य का जो शिक्षा है राज्य का विषय है। 1976 में संशोधन द्वारा इसे समवर्ती सूची में रखा गया। ये धारा 246 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है प्रारंभिक शिक्षा को समवर्ती सूची अर्थात जितनी भी शिक्षा है इसको समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। अब अनुच्छेद कुछ है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया है। तो अनुच्छेद 14 में क्या लिखा है, विध के समक्ष समता का अधिकार या समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 में कहा गया कि भेदभाव को अंत किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में है सरकारी नौकरी में समानता रखी जाएगी। अनुच्छेद 17 में है अप्रस्थता का अंत, छुआछूत जो होती है, पहले होता था ना जो छुआछूत एक दूसरे को नहीं छूते थे, तो उसका अंत किया गया है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में उपाधि जो मिलती है मौलवी ये सब, इन सब का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 20 में न्याय की स्वतंत्रता हो गई, न्याय सबके लिए होगा।
अनुच्छेद 21 में शरीर रक्षा की स्वतंत्रता, आपने अपनी शरीर रक्षा स्वयं कर सकते हैं। अनुच्छेद 22 में बंदीकरण से स्वतंत्रता, कोई भी बंद नहीं कर सकता, किसी को बंद करके काम नहीं करवा सकता, श्रमिक जैसे हैं या इनको बंदीकरण में बंदी करके काम नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 24-25 में ये बालकों के शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद हो गई, अभी कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसे सन 1986 में बाल श्रम निषेध अधिनियम बनाया गया था, मतलब बाल श्रम, जो बालकों को श्रम नहीं कराया जाएगा। 1948 ईस्वी में कारखाना अधिनियम बना था, जिसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम वर्ष के बालकों को कार्य नहीं करवाया जाएगा। और उसी प्रकार 1952 में खान अधिनियम था, खानों में कोई बालक कार्य नहीं करेगा, खान अधिनियम। एक क्वेश्चन है कि संविधान में कौन कहां से लिया गया है, आप 2018 के टीटी में या अन्य टीटी में देखिए, क्वेश्चन कई बार आए हैं, तो इसलिए ये बनाया, इनको याद कर लीजिए, आता है तो कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले ये भारत के अनुच्छेद 356 के तहत लिए गए हैं। आपातकाल जो लग जाता है, ये कहां से सिद्धांत लिया गया है, ये जर्मनी से लिया गया है। संघात्मक विशेषताएं जो है, संघ की विशेषताएं हैं, वो कनाडा से लिया गया है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, जो अपने यहाँ रिपब्लिक जो है, प्रधानमंत्री बनते हैं, ये सब बनते हैं, तो ये फ्रांस से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। मौलिक अधिकार जो है या न्यायिक स्वतंत्रता को कहाँ से लिया गया, ये अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य जो कहाँ से लिए गए, रूस से लिया गया है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण, एकल नागरिकता, ये ब्रिटेन या इंग्लैंड से लिया गया है। ये क्वेश्चन पिछली बार आया था, तो इसमें अगर कोई और कुछ है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, कोई गलत है तो जरूर बताइएगा। अब कुछ संसद से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, पिछली बार कई बार टीटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। संसद के तीन सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, इसकी सभापति, इसके जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, और इस समय आप बताइए कौन उपराष्ट्रपति है। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहते हैं। लोकसभा अस्थायी सदन या लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं और राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। लोकसभा में इस समय बताइएगा स्पीकर कौन है। संसद के दो सत्रों के बीच कम से कम या अधिकतम 6 महीने का समय होता है, अधिकतम के दो सत्र 6 महीने का अधिकतम समय है। संसद के, ये क्वेश्चन आया था पिछली बार टीटी में, संसद की संयुक्त बैठक में कौन बुला सकता है, तो ये साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। और जो संयुक्त संसद की संयुक्त बैठक है, ये साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। एक वर्ष में 2 बार बैठक होना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति 12 संसद सदस्यों को मनोनीत राज्यसभा के लिए कर सकते हैं और लोकसभा में 2 संसद सदस्य नियुक्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के 31 और लोकसभा के 80 सांसद चुने जाते हैं। राज्यसभा में कुल कितने, 250 सांसद कार्यकाल और उनका 6 वर्ष होता है। लोकसभा में 552 सांसद है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 42वें संशोधन में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, याद रखिएगा। 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ था। संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट योजना के प्रस्ताव के आधार पर किया गया। संविधान प्रारूप समिति का गठन इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समिति के अध्यक्षता में हुआ था 24 अगस्त 1947 को। सत्यमेव जयते क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये उपनिषद है मुंडकोपनिषद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1962 में गोवा सहित अन्य जितने पुर्तगाली थे बस्ती, उनको भारत संघ राज्य का क्षेत्र बनाया गया है। भारत में एकल नागरिकता व्यवस्था है, मूल अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय लागू करवाता है, ये उच्च न्यायालय का है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहा जाता है। और 30 क्वेश्चन से, संविधान सभा ने तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रपति की उम्र के बारे में पूछा गया, तो राष्ट्रपति की उम्र 35 वर्ष से कम नहीं
होने चाहिए और प्रधानमंत्री की उम्र 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, उद्देशिका को। संविधान अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। जेबी वीटो का प्रयोग करके ज्ञानी जैल सिंह जो है राष्ट्रपति जो थे उन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे और 1946 में ये बने थे। स्थायी सदस्य बने थे जो राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष थे, स्थायी सदस्य के अध्यक्ष, और ये भी 1946 बने थे। फिर प्रारूप समिति बनाई गई थी, उसके थे भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। और संविधान कितने दिन में बना, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ था। मूलतः अनुच्छेद में संविधान में मूलतः 395 अनुच्छेद हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार थे जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सा अधिकार को हटा दिया गया, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है 301 के अंतर्गत। अब केवल 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, 5वां भाग है। संविधान के 61वें संशोधन में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान से शुरू हुआ था। प्राकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं जो सबसे बड़ी समिति है, इसमें केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। लोक सेवा समिति में 22 सदस्य होते हैं जिसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। राज्यसभा का गठन कब हुआ था, 3 अगस्त 1952 को। और लास्ट क्वेश्चन है, दो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला कौन है, एम फातिमा बीबी, और नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। तो इस प्रकार से 45 क्वेश्चन है, लगभग इसमें 50 क्वेश्चन है, तो ये आप लोग रिवीजन कर लीजिए। इसके बाद भी आप लोग संविधान संबंधी क्वेश्चन पढ़ते रहिए, इससे क्वेश्चन 2-3 हर साल यूपीटेट के पर्यावरण में, सामाजिक अध्ययन में, और कहीं ना कहीं ये बाल विकास में एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इनको बिल्कुल याद कर लीजिए और भी पढ़िएगा। थैंक यू, और प्रश्नों का उत्तर जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।